This video is brought to you by Howzat. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। आप दी ललन टॉप देख रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपने देश में, गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम। अच्छा, तो आपने किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे या टीम इलेवन पे टीम बनाई थी? टीम तो जीत गई तुम्हारी, अब दो दिन से पैसों का वेट कर रहे हो। Howzat पे आओ, Howzat पे विड्रॉल बस कुछ ही मिनट में। विजिट howzat.com, डाउनलोड द Howzat ऐप नाउ। जानते हैं कि दर्शक संख्या के हिसाब से दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टेडियम कौन से हैं? बहुत बात हो रही है ना, सबसे बड़ा 3-4 और जान लीजिए कि कोई पूछे जीके में तो आपको बताने में आसानी रहेगी। पहला है नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम, कहाँ है? अहमदाबाद में। दर्शक क्षमता कितनी है? करीब 1,10,000। गुजरात के अहमदाबाद में बसा स्टेडियम, नाम पहली बार सुना हुआ लग रहा है तो चकराइए। अब तक स्टेडियम को आप सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा के नाम से जानते आए हैं। मोटेरा पास का गांव है। अब स्टेडियम 1982 में बन के तैयार हुआ था, 2016 में इसे रिनोवेट किया गया और दर्शक क्षमता को करीब 2 गुना बढ़ा दिया गया। भारत इंग्लैंड के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का 3रा और 4था मैच यहीं खेला जा रहा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। दर्शक क्षमता है करीब 1,00,000। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक मैदानों में से एक है और छोटे में कहते हैं MCG। 1853 में क्रिकेट ग्राउंड बनकर तैयार हुआ था। MCG ही वो मैदान है जहां क्रिकेट इतिहास का पहला टेस्ट मैच खेला गया था 15 से 19 मार्च 1877 को। याद कर लीजिए, जीके में पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। ये वही मैदान है जहां भारत ने हाल में ही ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में ऐतिहासिक वापसी की थी। उस मैच में अजिंक्य रहाणे ने शतक मार दिया था। अगला नंबर आता है ईडन गार्डन का, कहां है? कोलकाता में, भारत में। दर्शक क्षमता कितनी है? करीब 66,000। ईडन गार्डन को भारत में क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। हम लोग अपनी जीके की किताब में पढ़ते थे, देश के सबसे सफल कप्तानों में शुमार सौरव गांगुली का होम टाउन। और भारत में होने वाली किसी भी बड़ी सीरीज में ईडन गार्डन को मैच जरूर मिलते हैं। ये IPL का एक बड़ा वेन्यू भी है क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स वाली टीम जो है वो यहाँ खेलती है। पहला टेस्ट मैच यहाँ पर 1934 में जनवरी के महीने में खेला गया था। और ईडन गार्डन के बाद किसका नंबर आता है? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम का, कहाँ है? रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। दर्शक क्षमता कितनी है? करीब 65,000। ईडन गार्डन से 1,000 लोग कम बैठ सकते हैं इसमें। इस टॉप 5 की लिस्ट में ये सबसे नया बना स्टेडियम है। 2008 में ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ। 2010 में यहाँ पहला घरेलू मैच खेला गया जो कि टाई रहा था। दर्शक क्षमता के हिसाब से ये तो बड़ा मैदान है, लेकिन अभी तक यहाँ एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है, लिहाजा मैदान की सारी सुविधाएं अभी टेस्ट होनी बची हैं, तभी इंटरनेशनल पैमाने पर इसको फिट या अनफिट घोषित किया जाएगा। अगला नंबर आता है राजीव गांधी स्टेडियम का, कहाँ है भैया? हैदराबाद में है। दर्शक क्षमता कितनी है? करीब 60,000 के आसपास। 2003 में यह स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था और फिलहाल IPL में सनराइजर्स हैदराबाद का ये होम ग्राउंड है। भारत के अच्छे मैदानों में गिना जाता है इसको और पहला टेस्ट यहाँ पर 2010 में खेला गया था। इसके अलावा और भी स्टेडियम है भाई, मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम की क्षमता भी करीब 55,000 दर्शकों की है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ भी करीब 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है। और ये खबर जो ये पूरी जानकारी थी छान छून के लाए थे हमारे दोस्त अभिषेक त्रिपाठी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे मिथिलेश हैं, आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।